हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, अभी बज रहे हैं शाम के 4:15 और हम जा रहे हैं हमारे गांव, यानी कि मेरे ससुराल। और इनको ना बीच बीच में उनकी मम्मी की याद आती है, इसी वजह से हम बीच बीच में चले जाते हैं ससुराल। और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप लोगों को बताया था मैंने पिछले व्लॉग में कि तबीयत ठीक नहीं है करके। और आवाज़ देखिए कैसे बैठ रही है। और रास्ते हमारे यहाँ के ठीक नहीं है, तो मैं रास्तों का वेट करती हूँ। मतलब यहाँ के रास्ते बीच में ठीक है, बीच में ही अच्छे हो जाते हैं। काम चल रहा है अभी रास्तों का, आप पीछे देख सकते हो, तो काम चल रहा है। इसी वजह से बीच में ही रास्ते खराब होते हैं, बीच में अच्छे हो जाते हैं। तो मैं रास्तों का वेट करती हूँ कि कब अच्छे आएंगे और कब मैं आपसे बात करूँगी। और घर पे तो व्लॉग स्टार्ट करना नहीं हुआ, इसी वजह से मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। जा रहे हैं, आपको बता देती हूँ। और आवाज़ तो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है, और जुकाम इतनी ज़्यादा है, मतलब 2 दिन से तबीयत खराब है। 2 दिन से मैं आज बाहर निकली हूँ, और वो भी मेरी जब तबीयत खराब होती है तभी ये बोलते हैं कि चलो हम लोग ससुराल जाके आते हैं, मतलब घर जाके आते हैं। क्योंकि वैसे तो मेरा मूड फ्रेश नहीं होता है, घर जाते हैं तो सबसे मिलते हैं और सबके साथ बात करते हैं, तो मूड फ्रेश हो जाता है, थोड़ा सा अच्छा भी लगने लगता है। तो इसी वजह से जब भी तबीयत खराब होती है तो ये बोलते हैं कि चलो घर, तो घर वाले भी सोचते होंगे कि ये तबीयत खराब होती है, मतलब जब इसकी तबीयत खराब होती है तभी घर आती है, वरना। और वो लोग भी वेट करते होंगे मेरी तबीयत खराब होने का फिर अब मतलब हमेशा ऐसे ही होता है ना कि जब भी मेरी तबीयत खराब होती है ये मुझे वही लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ना बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो तो अच्छा लगता है। और बच्चों के साथ टाइम ऐसा निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता है, और उनको भी अच्छा लगता है। तो इसी वजह से, और मुझे ना जब भी तबीयत खराब होती है तो मैं ना फेस वॉश भी नहीं करती हूँ, कुछ भी नहीं, मैं ऐसे ही पड़ी रहती हूँ। तो इसी वजह से ये इनको ऐसे लगता है कि अगर बाहर निकलेगी तो थोड़ा सा फ्रेश होगी और इसका मूड भी फ्रेश हो जाएगा, तो इसी वजह से घर ही बेटर ऑप्शन लगता है इनको। तो इसी वजह से हम लोग घर चले जाते हैं, ससुराल चले जाते हैं। अधिक देखिए पीछे, अधिक तो ऐसे ही हम लोग, मतलब इन्होंने अब भी प्लान हुआ मतलब जाने का 15-20 मिनट पहले इन्होंने बोला कि चलो चलते हैं घर, तो मैंने भी जल्दी से हाँ बोल दिया, चलो जाते हैं करके। और इसी वजह से, और माही स्कूल से आ गई थी, तो माही का वेट करना पड़ता है, हमें कहीं पर भी जाना होता है ना तो माही का पहले वेट करना पड़ता है, और फिर माही 3:30 बजे स्कूल से आती है, तो उसके बाद हमें निकलना होता है कहीं पर भी जाने के लिए। तो माही स्कूल से आने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम चले जाते हैं घर, तो अभी इसी वजह से निकले हैं। और माही की नींद पूरी नहीं हुई थी, तो इसी वजह से माही को सुबह ही उठना पड़ता है स्कूल की वजह से, तो इसी वजह से माही की नींद पूरी नहीं होती है, तो माही सो रही है। जैसे गाड़ी में बैठते हैं बच्चे तो सो जाते हैं, तो इसका ना 4-व्हीलर में इतना नहीं है, अद्विक का जब 2-व्हीलर से जाते हैं ना तो पक्का ये सो जाता है बाहर। जब भी हम 2-व्हीलर से निकलते हैं ना तो ये बाहर जाने के लिए तो पक्का ये सो जाता है, और किसी ना किसी को एंगेज होना पड़ता है इसकी वजह से। और फिर से रास्ते का काम चल रहा है यहाँ पे। अद्विक की हेयर कट भी करानी है आज, अद्विक की हेयर कट करानी है, इसी वजह से क्योंकि ये ना मतलब वहाँ पर हमारे सिटी में जो मतलब वो है सलून है, वहाँ पर अच्छे से बैठता ही नहीं है। यहाँ पर वो जो भैया है, मतलब जो सलून वाले भैया है, इसके पहचान के हो गए, मतलब इनके ऐसे ही गांव में ना सभी पहचान के ही रहते हैं, तो इसी वजह से वहाँ पर जाते हैं ना तो ये अच्छे से बैठता है वहाँ पर और अच्छे से करने भी देता है। तो यहाँ पर वो हम लोग इसी वजह से वहाँ पर जाते हैं, तो इसका हेयर कट वगैरह करा के लाते हैं। इसके बर्थडे के टाइम कराना था हेयर कट, बट बाद में ध्यान आया कि यार बर्थडे के टाइम हेयर कट कराना है इसका, बट न जाने तो कोई बात नहीं, बच्ची ही है। तो चलिए फिर अभी जाते हैं और उसके बाद मिलती हूँ आपसे मैं। गाइस, यहाँ पर हम लोग घर पे पहुँच गए थे, उसके बाद ये लेके गए थे अद्विक को सलून में, और इस तरह से उसका हेयर कट हुआ है। और आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा प्यारा हेयर कट किया है, मतलब ना इसके लिए मुझे सर्च करना पड़ा था, पहले मैंने सर्च किया था इसको, ये वाली हेयर कट को, उसके बाद मैंने इसका पिक निकाल के उसको इन्हें सेंड किया था, उसके बाद उन्होंने उस तरह से ही वो जो हेयर कट है वो करवाई है, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। एक्चुअली उस पर सूट बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं सोच रही थी उसके बर्थडे के टाइम ऐसे होती तो पिक वगैरह में अच्छी निकलती,
अब फिर भी ठीक है, जाने दो। उस टाइम ना मुझे याद ही नहीं आया कि इसकी हेयर कट वगैरह करवानी है, बट अभी ना जैसे ही हम लोग वहाँ पर जाते हैं गाँव वगैरह में, तो ये भैया इनके पहचान के हैं और वो अच्छे से हेयर कट करा देते हैं। और ये बैठता कितने अच्छे से, देखो मतलब वहाँ पर सब लोग बोल रहे थे, बोलते हैं मतलब सैलून में सभी लोग बोल रहे थे, बोलते कि ये बहुत ही अच्छे से बैठ रहा है, मतलब इतना छोटा बच्चा इतनी अच्छे से हेयर कट करा दे रहा है। तो इसी वजह से सभी लोगों को मतलब उसकी तारीफ बहुत ज़्यादा लोग कर रहे थे, बोल रहे थे। और अभी देखो आप कितने अच्छे से वो करने भी दे रहा है, शूट भी करने दे रहा है, बिल्कुल नहीं रो रहा है वहाँ पर, बहुत ही अच्छे से बैठा है वो। और इस तरह से उसकी हेयर कट कराई थी और बहुत अच्छी लग रही है, मतलब आप लोग बताना कि कैसी लग रही है और उस पर सूट कर रही है या नहीं कर रही है, वो भी ज़रूर बताना। बस इसी तरह से हुआ था। और फिर हम लोग घर पे आ गए थे, मतलब थोड़ी देर हम लोग बातें बातें की, फिर हम लोग थोड़ी देर रुके और उसके बाद घर पे आ गए थे। तो क्योंकि ना मम्मी वगैरह नहीं थी घर पे, मम्मी गाँव गई थी मेरे ननद के यहाँ पे, हमें पता नहीं था, हम लोग कॉल करके नहीं गए थे इसी वजह से। और मेरी बीच वाली जेठानी भी, जो दीदी है बीच वाली, वो भी गाँव गई थी दूसरे, तो भाई उनके मायके में, तो इसी वजह से हमें पता ही नहीं था कि कोई घर पे नहीं है। तो हम लोग फिर बड़ी जेठानी थी, तो इसी वजह से बड़ी दीदी के साथ बातें करते हुए थोड़ा सा टाइम निकाल लिया, निकल गया। और उसके बाद फिर हम लोग घर पे आ गए। और यहाँ पर ना मैंने चिकन बनाने के लिए, मतलब मैंने आपको बताया था ना कि चिकन की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, उसी तरह से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें ना सिर्फ ऑयल डाला है चिकन में, कढ़ाई में रख दिया है, ऑयल डाला है, हल्दी डाली है, नमक डाला है और सिर्फ ढक के रख दिया है लो मीडियम फ्लेम पे। और यहाँ पर मैंने जो अदरक लहसुन का पेस्ट होता है वो बना के रख दिया है, जैसे कि मैं हमेशा बनाती हूँ। और यहाँ पर मैं भून रही हूँ, क्या बोलते हैं इसे, नारियल। तो नारियल के पीसेस करके इस तरह से भून लेने हैं अच्छे से। और उसके बाद आपको प्याज भूनना है, मतलब अच्छे से वो अच्छे से रेड मतलब ब्राउन हो जाए उस तब तक आपको भूनने हैं। और उसके बाद ना थोड़ा सा मेरा आवाज़ का प्रॉब्लम हो रहा है, जल्दी से मुंह में ना वर्ड नहीं आ रहे, तो इसी वजह से, और थोड़े से ज़ुकाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है मेरा, तो इसी वजह से। और ना उसके बाद ये वाली बीज है, मतलब तरबूज बीज बोलते हैं इसे, तरबूज के जो बीज भी निकलती है वो मार्केट में मिलती है, तो ये वाली बीज आपको ये करनी है, क्या बोलते हैं, भून लेनी है इसको भी। और ये ना उड़ती है ऐसे भूनने के बाद, तो इसी वजह से मैंने इस पे ये रख दिया है ताकि ये उड़े ना। और फिर ये भी ब्राउन हो जाने के बाद आपको निकाल लेनी है ये भी। और उसके बाद मैं यहाँ पर आपको पीछे दिख रहा है, मतलब वहाँ पर पैच पैच काट रही हूँ, तो प्याज भी मैं भून लूँगी अच्छे से। और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के, सारी चीज़ों में ऑयल डाल डाल के सारी चीज़ों को भून लेना है अच्छे से, ताकि जब हम लोग मसाला भुने तो हमें टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा चीज़ें भूनने में। और ये वाला भून के जो हम लोग बनाते हैं ना, तो कच्चे से बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है, बेटर बनता है, और मतलब टेस्ट अलग ही आती है जो भून के हम लोग मसाला बनाते हैं। तो इस तरह से सारे मतलब ये भी भून लेना है, प्याज भी भून लेना है, सारे मसाले हमारे भून गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर वेट करेंगे इसके ठंडा होने का। और अभी ठंडा हो गया है मसाला, तो मैं क्या करूँगी, उसको पीस लूँगी अच्छे से मिक्सी में, बिल्कुल फाइन पेस्ट करना है उसका, चिकना पेस्ट करना है, और इस तरह से उसे पीस लेना है। और यहाँ पर ना मेरा जो चिकन था वो बॉईल हो चुका था, हमें चिकन कुकर में बॉईल नहीं करना है इस तरह से, और उसमें पानी ऐड नहीं करना है बॉईल करने के टाइम में। तो वही मैंने चिकन निकाल के रख दिया है और वही कढ़ाई में उसमें यूज़ करूँगी अभी मसाला भूनने में। तो वहाँ पर मेरे साथ मेरा मसाला जो है वो पीस चुका था, और अभी मैंने यहाँ पर कढ़ाई में तेल डाल दिया है और इसी में मैं मसाला भूनूंगी अपना, जो भी मसाला मैंने पीसा है, तेल गर्म होने दूंगी और उसमें फिर मसाला अपना ऐड कर दूंगी। और उसमें ना मतलब ब्राउन होने तक, जो मसाला तेल छोड़ने तक, उसको भून लूँगी अच्छे से। तो पहले ना मैं इस बार थोड़ी सी अलग ये कर रही हूँ, तो सबसे पहले मैं अपना जो वो मसाला है, क्या बोलते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है, वो मैंने डाल दिया है यहाँ पे, और वो मैं अच्छे से भून लूँगी पहले, उसकी कच्ची स्मेल आने तक, मतलब जाने तक, सॉरी आने तक बोल रही हूँ, जाने तक मैं अच्छे से उसके भून लूँगी। और वो भून जाए, अभी आप देख सकते हो उसका कलर चेंज हो गया है, वो भून गया है। और उसके बाद मैं ये जो मसाला है वो भून लूँगी अच्छे से, जो मैंने पीस के रखा था। मैं पहले क्या करती थी कि वो जो मसाला है पहले ऐड करती थी और फिर बाद में उसमें वो मसाला ऐड करती थी, क्या बोलते हैं, तो अदरक लहसुन का पेस्ट। बट जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने थोड़े से अलग प्रोसीजर से देखा है और अलग थोड़ा सा कुछ चीज़ें अलग ऐड की है, की थी उसने, तो इसी वजह से मैंने आपके साथ वही शेयर करने की कोशिश की है आज। और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था गाइस, इस स्टाइल से आप अगर बना के देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि जितना ज़्यादा टेस्टी बनता है।
और उधर चिकन बॉईल हो चुका था, मैं पहले कच्चा ही चिकन ऐड कर दी थी, वो भी बहुत अच्छा बनता था, बहुत टेस्टी बनता है, बट ये भी मुझे ज़्यादा अच्छा लगा मतलब उससे, तो इसी वजह से यहाँ पर वो भून गया था, मतलब जो पेस्ट मैंने पहले ऐड की थी वो भून गई थी, तो अभी मैंने टोमेटो की पेस्ट ऐड की है। यहाँ पर मैंने दो छोटे साइज़ के टोमेटो लिए थे, वो मैंने उसमें ऐड किए हैं। और ये ना मतलब पहले ही चिकन जो है वो मतलब अच्छे से पक चुका होता है, तो ज़्यादा चिकन पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बाद में। और यहाँ पर मैंने एवरेस्ट का चिकन मसाला लिया है बड़ा 1 चम्मच, और उसके बाद मैं बाकी के मसाले ऐड करूँगी। और वहाँ पर मेरा पानी भी बॉईल हो रहा है, यहाँ पर हल्दी ऐड की है स्वाद अनुसार, जो क्या बोलते हैं लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है आपको, उसके बाद आपको धनिया पाउडर ऐड करना है, फिर आपको गरम मसाला ऐड करना है, धनिया पाउडर भी आपको अपने स्वाद अनुसार ऐड करना है, फिर धनिया पाउडर के बाद आपको गरम मसाला ऐड करना है, और फिर उसके बाद आपको नमक वगैरह ऐड करना है। सारी चीज़ें ऐड हो जाने के बाद अच्छे से फिर मसाला और भून लेना है आपको, और फिर आपको चिकन ऐड करना है, क्योंकि चिकन पहले से ही बॉईल हो चुका होता है, तो आपको ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये है एवरेस्ट का ही गरम मसाला, आज मैं एवरेस्ट का ही गरम मसाला यूज़ कर रही हूँ, नहीं तो मैं जो ब्लैक मसाला होता है जो हम लोग पिसा हुआ लाते हैं तो वो यूज़ करती हूँ, आज मैं गरम मसाला एवरेस्ट का यूज़ कर रही हूँ। और फिर गरम मसाला यूज़ करने के बाद अच्छे से वो जो मसाला है वो उसको भून लेना है। और ना आपको समझ में आ गया होगा चिकन मैंने कैसे बॉईल किया था, चिकन में सिर्फ वो डाला था, तेल डाला था, पानी नहीं डाला था, तेल डाला था, नमक डाला था, और यहाँ पर नमक आपको कम ऐड करना है क्योंकि हमने चिकन में ऑलरेडी नमक ऐड किया था इसी वजह से, और ध्यान से ही आपको नमक को ऐड करना है। और ना चिकन में मैंने हल्दी डाली थी थोड़ी सी और चिकन पका लिया था, क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी पानी डालने की चिकन में, क्योंकि ऑलरेडी वो पानी छोड़ता है, इसी वजह से आपको सिर्फ तेल ऐड करना है और धीमी आंच पे उसे रखना है, बस इसे ढक के मैं रख दूंगी चिकन मतलब उसको ये करने था। और इसमें पहले पानी नहीं ऐड किया था मैंने, वैसे ही ढक के रख दिया था ताकि उसको मसाले में स्टीम आ जाए इसी तरह से, और फिर मैंने पानी ऐड किया था, जितना आपको ग्रेवी चाहिए, जितनी पतली ग्रेवी चाहिए आपको, हमें ज़्यादा पतली ग्रेवी पसंद नहीं है, बहुत लोगों को बहुत पतली ग्रेवी पसंद होती है, बट हमें बहुत ज़्यादा पतली ग्रेवी पसंद नहीं है, क्योंकि इनको बहुत मतलब इनको ज़्यादा पतली ग्रेवी अच्छी नहीं लगती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गाढ़ी ग्रेवी बन गई थी, तो इसी वजह से थोड़ा सा पानी मैंने और रख दिया था और पानी और डाल दिया था, और यहाँ पर मैं और ढक के रख दूँगी और मेरा चिकन हो जाएगा रेडी। और यहाँ पर मैं फिर जो मेरा नीचे गिर गया था या कुछ हो गया था तो मैंने झाड़ू मार लिया था, फिर मैं यहाँ पर पोछा कर रही हूँ ताकि मैं खाना खाने के बाद मुझे ज़्यादा टेंशन ना रहे, मैंने किचन क्लीन कर लिया है अभी, और फिर खाना खाने के बाद जो बर्तन निकलते हैं वही सिर्फ होते हैं, और बस अभी हम लोग पोछा करने के बाद फिर हम लोग खाना खा लेंगे, और उसके बाद थोड़े से ही बर्तन होते हैं तो फिर जो नाइट टाइम के, और ये नाइट टाइम किचन क्लीनिंग हो रहा है अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्लीन कर लिया है सारा गैस का स्लैब वगैरह ये वो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा है आपके साथ कि मैं किचन क्लीन नाइट टाइम किचन क्लीनिंग कैसे करती हूँ, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, अगर आपको चाहिए हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, आप चेक कर सकते हो। उसके बाद मैं डायरेक्ट मिलूँगी आपसे खाना खा के। हे गाइस, खाना वगैरह हो गया है हमारा और बस अभी हम लोग सोने वाले हैं, तो मैंने सोचा चलो आपसे बात कर लेती हूँ, इस व्लॉग को एंड भी कर देती हूँ। और हाँ, अद्विक भी सो गया है यहाँ पे, अद्विक ना जब से आया था मतलब जब से हम लोग आया है तब से ना मतलब ऐसे ही खेलता था, और उसके बड़े पापा ने उसको ड्रेस लिया है नया वाला, मतलब भैया को ना, भैया ने उस टाइम उसे, अभी माही भी सो रही है यहाँ पे, तो भैया ने उसके बर्थडे पे ड्रेस नहीं लिया था तो इसी वजह से अभी लिया है उसको, मतलब उसको लेके जाके वहाँ पर उसके पसंद का ड्रेस दिलाया है, और तब से ना वो निकालने का मन ही नहीं कर रहा था उसका, निकाल ही नहीं रहा है ड्रेस, जब से आया है घर से गाँव से तो निकाल ही नहीं रहा था, तो इसी वजह से, और अभी ड्रेस पहन के ही सोया है, देख सकते हो यहाँ पर सो भी गया है। तो और हाँ, आपको अद्विक की हेयर कट कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और हेयर कट की वजह से ना पूरा लुक ही चेंज हो गया है उसका, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई उसकी हेयर कट, सभी को पसंद आया एक्चुअली, मतलब जो भी लोग देख रहे हैं ना वही। आपको पता है मेरे फ्रेंड की जो मम्मी बोल रही थी वो बोल रही थी ये मतलब कोमड़ा कटे तो ये ना तो गाँव वालों को इतना नहीं समझता है, तो स्पाइक करा के लाए हैं, और वो ना कट मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई है, मतलब
हाँ इतनी ज्यादा अच्छी लग रही है उस पे, और उसका फेस कट ना उसकी वजह से बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो इसी वजह से मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी उसकी। और ये ना मैंने सर्च की थी एक्चुअली, पहले सर्च की थी इसका फोटो मैंने सर्च किया था ये वाले हेयर कट का, और उसके बाद ये वाली हेयर कट करा के लाया है ये, इनको मैंने सेंड किया था वो वाला फोटो, और उसके बाद इन्होंने वही वाली हेयर कट करा के लाए उसके। और ना हाँ मतलब, और ये जहाँ पर हम लोग हेयर कट कराते हैं इसका मतलब गांव में, तो वहाँ पर ये अच्छे से बैठता है, यहाँ पर हम लोग अगर सिटी में इसकी हेयर कट कराने लेके जाओ ना तो रोने लगता है, तो इसी वजह से वहाँ पर ही हम लोग इसकी हेयर कट कराते हैं हमेशा। और वो ना जहाँ पर हम लोग इसकी हेयर कट कराते हैं तो वो भाई इसको मस्त कलर वगैरह लगा के, मतलब आगे कलर वगैरह लगा के भी देते हैं, तो इस बार उन्होंने कलर नहीं लगाए हैं इसके हेयर को, बट इस वैसे भी ये वाली हेयर कट अच्छी लग रही है, मतलब ऐसे ही हेयर कट अच्छी लग रही है बिना कलर के, बट वो हमेशा कराते हैं ना तो कहे कलर वगैरह थोड़ा सा लगा के देते हैं यहाँ पे, ग्रीन कलर रेड कलर वगैरह, तो वो भी अच्छा लगता है, बट इस बार ये वाली हेयर कट काफी अच्छी लग रही है। आप जरूर बताना कि कैसी लगी आपको हेयर कट अद्विक की। और चलिए मैं इस ब्लॉग को यहाँ पर ही एंड करती हूँ, और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो, और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज़, हॉल वीडियोज़, मेकअप वीडियोज़ इस तरह से डालती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय। और हाँ अभी अभी मैंने दवाई ली है तो थोड़ा सा दवाइयों का असर हो रहा है, तो इसीलिए फुस 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 काम कर रही हूँ, तो चलिए बाय बाय।